काले धन पर फिर होगी सर्जिकल स्ट्राइक, पीएम मोदी लेने वाले हैं ये फैसला। काले धन पर लगाम कसने के लिए पीएम मोदी एक बार फिर से तैयार हैं। इस बार सरकार कैश लेन देन की लिमिट को लेकर ये फैसला करने जा रही है। काले धन पर एक बार फिर से पीएम मोदी एक्शन की तैयारी में हैं। एक बार फिर से सरकार बड़ा फैसला लेने की तैयारी कर रही है। बताया जा रहा है कि इस बार फैसला कैश लेन देन की लिमिट को लेकर होगा। बताया जा रहा है कि मोदी सरकार अब कैश लेन देन की सीमा घटाने जा रही है। अब तक ये लिमिट 3 लाख रुपए थी, अब बताया जा रहा है कि ये लिमिट अब सिर्फ 2 लाख रुपए होगी। लोकसभा में पेश किए गए वित्त संशोधन विधेयक में इस बात का प्रस्ताव रखा गया है। इसके अलावा राजस्व सचिव हसमुख अधिया ने ट्विटर पर इस बात की जानकारी दी है। इससे पहले 8 नवंबर 2016 को मोदी सरकार ने नोटबंदी का फैसला लिया था। 8 नवंबर 2016 को मोदी देशवासियों के सामने आए थे और बड़ा ऐलान कर डाला था। मोदी ने कहा था कि 8 नवंबर की रात 12 बजे के बाद से देश भर में 500 और 1000 के नोट बैन कर दिए जाएंगे। अब सरकार एक बार फिर से बड़ा फैसला लेने वाली है। मोदी सरकार ने काले धन पर लगाम कसने को लेकर एसआईटी गठित की थी। इस एसआईटी की सिफारिश के आधार पर ही पहले 3 लाख से ज्यादा के कैश ट्रांजैक्शन पर रोक लगाई थी। बजट सेशन के दौरान सरकार ने इस बात का ऐलान किया था। इस नियम को 1 अप्रैल से लागू किया जाना था, लेकिन अब सरकार कैश ट्रांजैक्शन की सीमा 2 लाख रुपए करने जा रही है। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि अगर आप किसी से 2 लाख रुपए या फिर इससे ज्यादा कैश स्वीकार करते हैं, तो आपको इसके लिए 100% जुर्माना देना होगा। यानी अगर आप किसी से 4 लाख रुपए कैश में ले रहे हैं, तो आपको सरकार को 4 लाख रुपए फाइन देना होगा। इस बात का भी ध्यान रखें कि ये जुर्माना उस व्यक्ति पर लगेगा जो कैश स्वीकार करेगा। भारत सरकार का मानना है कि देश में बड़े पैमाने पर कैश ट्रांजैक्शन हो रहा है। इस तरह से काला धन रखने वालों को हौसला मिल रहा है। अब सरकार कैश ट्रांजैक्शन को लेकर ही ये कदम उठाने जा रही है। इस बीच आर्थिक मामलों के सचिव शक्तिकांत दास का कहना है कि इस वक्त सरकार का फोकस 500 और उससे छोटे नोटों की प्रिंटिंग और इसके साथ ही इनका कहना है कि छोटी करेंसी पर ज्यादा से ज्यादा फोकस किया जा रहा है। कुल मिलाकर कहें तो इस वक्त सरकार काला धन रखने वालों के खिलाफ कड़े से कड़ा एक्शन लेने की तैयारी में है। जब सरकार ने नोटबंदी का फैसला लिया था, उस वक्त कई अर्थशास्त्रियों ने इस फैसले को देश की अर्थव्यवस्था के खिलाफ बताया था। यहां तक कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा था कि नोटबंदी के बाद हर हिंदुस्तानी को बड़ी त्रासदी के लिए तैयार रहना चाहिए। इसके अलावा कई ऐसे बड़े बिजनेसमैन थे जिनका कहना था कि ये फैसला देश की अर्थव्यवस्था को बहुत आगे ले जाएगा। सरकार का मानना है कि कैशलेस ट्रांजैक्शन से देश की अर्थव्यवस्था को एक नया आयाम मिलेगा। वित्त मंत्री अरुण जेटली भी बता चुके हैं कि आने वक्त में अर्थव्यवस्था के मामले में भारत दुनिया के बाकी मुल्कों पर भारी पड़ेगा। देखना है कि पीएम मोदी का नया एक्शन काला धन रखने वालों के लिए कितनी बड़ी मुसीबत बनकर सामने आता है।